सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो खबर हर पल इंडिया। पंजाब दे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दे भतीजे भुपिंदर सिंह हनी नूं ईडी ने रेत दी नजायज माइनिंग दे मामले च पुछगिछ तों बाद वीरवार देर रात नूं जलंधर तों गिरफ्तार कीता। ईडी अज दुपहर भुपिंदर सिंह हनी नूं जलंधर दी अदालत च पेश करेगी। इस गिरफ्तारी ते भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिक्रिया दित्ती है। भाजपा के बुलारे अनिल सरीन ने कहा है कानून ते ईडी अपना काम करते हैं। उन्होंने दावा किया है कि छापेमारी दौरान 10 करोड़ की नकदी ते 56 करोड़ की जायदाद बरामद हुई है। भाजपा आगू ने कहा है कि असं पहला भी कह रहे थे कि रेत की नजायज माइनिंग च मुख्यमंत्री का हाथ है। पंजाब च 20 फरवरी को चोणां होणियां ने ते अजिहे च मुख्यमंत्री के रिश्तेदार की गिरफ्तारी तो बाद पंजाब की सियासत च हलचल मच गई है। इस मामले ते पंजाब के मुख्यमंत्री ने अजे तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दिती है। प्राप्त जानकारी अनुसार भुपिंदर सिंह नूं ईडी वालों 23 जनवरी जलंधर दफ्तर च तलब किया सी, पर वह अपनी सेहत खराब होने बारे जानकारी देने तो बाद नहीं आए। तो इस तो बाद उन्होंने 3 फरवरी मुड़ समन भेजा गया और पुछगिछ तो बाद ईडी ने गिरफ्तार किया। जिक्रयोग है कि कुछ दिन पहला ईडी ने रेत की नजायज माइनिंग के मामले च पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के एक रिश्तेदार के टिकाने पर छापा मारिया। मोहाली स्थित होमलैंड सोसायटी के इस घर से छापा मारिया सीएम के भतीजे हनी का। दस दईए कि ईडी ने कुदरतदीप सिंह खिलाफ़ 2018 च रेत की खुदाई का मामला दर्ज किया, जिस भुपिंदर सिंह हनी का नाम ही शामिल सी। ईडी वालों यह कार्रवाई प्रोविजन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर हरपल इंडिया।